Okay, dear students. Today we are going to talk about the RK method for solving the higher order or simultaneous differential equations. Uh, suppose we are going to have this uh, general form of this second order differential equation, and that is given by equation number one, which is defined as y double dash is equals to f of x, y, y dash means y double dash is a function of x y and then the first derivative okay and subject to the initial condition that is y at x naught is equal to some value y naught because it is journal when you when we will uh, talk about the example then it will be more cleared and since it is second order differential equation so there must be two conditions for solving this equation okay First condition is about the y of x naught is equal to y naught and y dash of x naught is equal to z naught, some value, gen generic value. The criteria for solving this kind of equation is that first of all, if it is second order, then you are going to substitute the first order and then another variable, some different variable other than this y. Okay? So we introduce over here. Y dash is equal to Z. This implies that Y double dash is equal to Z dash, as we have written over here. Then it shows that this Z dash can, is equivalent to f of X Y, and instead of Y dash, I am writing Z over here. यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज़ ओके वी बिल्कुल वही चीज़ है देखें वाई डबल डैश को मैंने जी डैश का नाम नहीं दिया बिकॉज आई एम स्विचिंग इट टू वर्ड्स ये दो दो इक्वेशन जो है मुझे सॉल्व करनी पड़ेंगी वाई में भी और जी में भी ठीक है तो दिस इज़ द प्रोसीजर डैट वी फॉलो वाई डबल डैश इज टू जी डैश एंड जी डैश ओवर हेयर इट विल मेक द फॉर्म जी

It's a new function capital G of x, y, and z. This is your second order differential equation. And this is your first order differential equations. Now, instead of one, as we have been solving in RK method of uh, order two and order four, classical methods and simple uh, method, we are going to solve this higher order differential equations and more than that. वी हैव मेड सेंश क्वेश्चन एक ओ डी ये है जी डैश इज इक्व टू जी कैपिटल जी ऑफ एक्स वाई जी विच इज गिवन बाई क्वेश्चन नंबर टू और एक ओ डी ये है जो हमने सपोज किया वाई डैश दैट इज इक्व टू जी एंड देट इज ऑल्सो इक्व टू समल एफ ऑफ एक्स वाई जी इस अभी अब फायदा क्या हो गया ये दोनों मैंने सेकेंड ऑर्डर ओडी से मैंने दो फर्स्ट ऑर्डर ओडीज़ बना लिए एक ये और एक ये एक वाई डैश के साथ और एक जी डैश के साथ दोनों के लिए एक एक इनिशियल कंडीशन चाहिए जो ये है वाई डैश ठीक है सिंपल इसका सब्जेक्टेड जो इनिशियल कंडीशन है वो क्या होगा वाई ऑफ एक्स नॉट दैट इज इक्वल्स टू वाई जो कि ऑलरेडी गिवन है वाई ऑफ एक्स इज टू वाई एंड इसके लिए इनिशियल कंडीशन क्या होगा जी ऑफ एक्स नॉट ठीक है यू पीपल ऑलरेडी नो दिस थिंग दैट इफ वी हैव ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देन वी 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 गेट टू कॉन्स्टेंट्स एंड फॉर सॉल्विंग दोज टू कॉन्स्टेंट्स वी नीड टू इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन ओके टू कंडीशंस हमें चाहिए होते हैं ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं जिसके हम बात करें तो टू कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करने के लिए वी मस्ट हैव टू इनिशियल कंडीशन एज वेल ठीक है तो ये यहाँ पे हमारे पास गिवन है फर्स्ट ऑर्डर डी के लिए ये आ गया ये ऊपर वाला कंडीशन अब हमने सपोज किया हुआ वाई डैश इज इक्स टू जी तो मैं इसको हमें लिखूंगी जी ऑफ एक्स नॉट इज ईगल टू जी नॉट दिस कैन बी डिन एज दिस जी ऑफ एक्स नॉट इज इक्व टू जी नॉट नाव आई हैव टू सेट्स ठीक है बाकी जो मेथड है वो थोड़ा सा आपने अपने, अपने जहन को रखना है क्लासिक वो जो फोर्थ ऑर्डर मेथड है uh, आज के मेथड ऑफ ऑर्डर फो हम उसको करेंगे सॉल्व उसको ले कर चलेंगे ठीक है क्लासिकल जो वो जो सिंपल आर के मेथड ऑफ ऑर्डर फोर है थोड़ा सा उस पर आपका जो हाथ है वो चला होना चाहिए यू शुड बी वेरी मच फ्रीक्वेंट इन राइटिंग द एक्सप्रेशंस ये जो वहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना इनके फोर फोर कांस्टेंट्स आएंगे। वहाँ पे हमारे पास के वन के टू के थ्री के फोर थे अब यहाँ पे वी आर गोइंग टू हैव एट कॉन्सटेंट्स हाउ फोर फॉर दिस ओडी एंड फोर फॉर दिस ओडी ठीक है दिस नीड्स प्रैक्टिस एटलीस्ट ये क्वेश्चन जो मैं अभी आप लोगों को एग्जाम्पल्स में कहूंगी इससे रिलेटेड जो बुक्स में बुक में जो क्वेश्चन अवेलेबल हैं उनको प्रैक्टिस करना है ठीक है ओके टू फर्स्ट और ओडीज क्वेश्चन नंबर टू विद इनिशियल कंडीशन दिस जी ऑफ एक्स नॉट प्राइमिया से हटाया हुआ मैंने जी ऑफ एक्स नॉट इज इक्ल टू जी नॉट एन इक्वेशन नंबर थ्री वाई डैश इज इक्ल टू जी और कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जी सब्जेक्टेड टू द इनिशियल कंडीशन वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्व टू वाई नॉट एंड फॉर दैट फोर कॉन्स्टेंट्स फॉर दिस फंक्शन समझा के पास ये क्वेश्चन है वाई डैश इज इक्ल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई अब ये जी के साथ कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है वाई डैश इजिक्स टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जी ओके इसके लिए यू आर गोइंग टू हैव फोर कॉन्स्टेंट्स वो फोर कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं के वन इजिक्स टू एज इन टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट बिकॉज वी हैव थ्री कंडीशंस फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जी है इसलिए हम लोग यहाँ पर इनिशियली स्टार्ट करेंगे उससे उसके बाद आपको याद होगा कि एज बाई टू यानी कि जिसमें भी है इसमें स्टेप साइज एज बाई टू एज बाई टू दो, दो दफ़ा एड होता है और लास्ट में हम सिंपल एक्स नॉट प्लस एज करते हैं ठीक है यहाँ पे एज है एक फैक्टर के वन का होगा और एक फैक्टर एल वन का होगा प्रीवियसली जो K1, K2 के वन के टू के कॉन्सटेंट्स थे उसमें हमारे पास यू माइट हैव नोटेड, वी हैड ओनली टू वेरिएबल्स एक्स नॉट एंड वाई नॉट ओके दैट्स वाई वी यूज टू हैव एक्स नॉट प्लस एज बाई टू एंड वाई नॉट प्लस के वन टू सिव इतना ही होता था ठीक well. okay? so, है ना अब नाव वी आर गोइंग टू हैव द थर्ड वेरिएबल एज वेल ओके सो दिस इज योर ओडी दिस इज द इनिशियल कंडीशन एंड वी आर गोइंग टू हैव दिस कॉन्स्टेंट इन ऑर्डर टू सॉल्व द फर्स्ट आल्टेशन अब इसमें भी आल्टेशन जेनेरिक होती हैं ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेप साइज फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव जीरो पॉइंट वन एंड पॉइंट टू इनिशियल कंडीशन जीरो पे गिवन है इट मीन्स देन यू आर गोइंग टू हैव टू एडेश पॉइंट वन पे भी आप ये स्टेप सारा करेंगे फिर पॉइंट टू पे भी करेंगे ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन एंड डिपेंडिंग अपन द स्टेप साइज ओके जिस पे आपने उसकी वैल्यू को फाइंड करना है सो के वन दैट इज इक्स टू एज इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट आप इसको इंक्रीज करें प्लस एज बाई टू प्लस के वन बाई टू ये आपको इफ यू रिमेंबर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो के वन है ये इसके मेथड की जो ब्यूटी है आर के मेथड ऑफ ऑर्डर फोर की ये पिछली आइटेशन को ही साथ उठा लेता है सही है ना इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड ऑर्डर मैथड वाई नॉट प्लस के वन बाई टू एंड कॉमा जी नॉट प्लस एल वन बाय टू अब ये के वन तो यहाँ से आया है लेकिन एल वन क्या है सिंस वी आर गोइंग टू हैव दीज साइमल्टेनियस डिफेंशल ये जो L1 वन है ये इस वाली ओ डी में से आएगा अभी इसका एक्सप्रेशन भी, भी मैं आपको अभी बताती हूँ आगे लिखा हुआ है ठीक है K3 इज इक टू एज इन कैपिटल एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एज बाई टू वाई नॉट प्लस इंस्टेड ऑफ के वन नाव वी आर गोइंग टू हैव के टू बाई टू क्योंकि हमने के टू फाइन कर लिया और जी नॉट प्लस एल टू बाई टू पहले एल वन था अब एल टू ओके

आपस में मिक्स होकर चल रहे होते हैं साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेश ओके सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन इट एंड these आर द the expressions फॉर द second differential इक्वेशन जो के ओरिजिनल हमारी equation है L1 is equal to h into capital G, जिसमें हमने सपोज किया था फंक्शन वो डिफरेंट था एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जी नॉट अब एल वन ये वाला कॉन्स्टेंट प्रीवियसली यूज होगा और फिर यू आर गोइंग टू हैव दिस एल टू एल टू इज इक्वल टू एच इन टू जी एक्स नॉट प्लस एच बाय टू कॉमा वाई नॉट प्लस के वन बाय टू के वन यू हैव ऑलरेडी फाइंड एंड कॉमा जी नॉट प्लस एल वन बाय टू सिमिलरली ये स्टेप्स आई जब एल थ्री में होगा ये एच बाय टू के वन की जगह के टू और एल वन की जगह एल टू हो जाएगा

Uh, जो उसका फार्मूला वन बाई सिक्स और उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं फार्मूला हमारा वही फॉलो होगा जो आर के मेथड ऑफ फोर का है मे बी डेट वॉज आई थिंक वाई वन इज ईगल टू वाई नॉट प्लस वेट अ मिनट यस दिस ये देखें ये जो जर्नल मेथड था वाई एन प्लस वन इज ईगल टू वाई एन प्स वन ओवर सिक्स के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर ये एक और ओडी के लिए हो जाएगा सिमिलरली जब हम लोग जी वाली फाइंड कर होंगे तो उसमें जी नॉट प्लस वन बाई सिक्स एल वन प्लस टू एल टू प्लस टू एल थ्री प्लस एल फोर ठीक है ये सो ऑल्ड एग्जाम्पल्स होंगे फिर मैं आपको बताऊंगी बट बिफोर सॉल्विंग बिफोर गोइंग बट बिफोर गोइंग इन टू हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस यू मस्ट बी वेरी फ्लुएंट इन दैट आर के मेथड ऑफ ऑर्डर फोर if you are not going to have uh, practice in the uh, in the questions related to the RK method of order four then you are not going to tackle you will not be able to tackle this method okay so you must have some practice uh, in the questions related to the RK method of order four change of variables equations we are going to solve so अभी यहाँ ये मेथड यह है तो फिर नेक्स्ट उसमें मैं आपको जिससे रिलेटेड ये जो एग्जांपल है इस पर वर्कआउट करेंगे हम ओके थैंक यू